आज सुबह सुबह बरलूट निवासी श्री देवी चंद जी रावल साहब का फोन आया कि नरूका जी, आज हरियाली अमावस है, सोमोती अमावस है, और मुझे 16 पीपल के पेड़ लगाने हैं। बहुत अच्छे भाव हैं श्रीमान देवी चंद जी रावल साहब के, और इनके लगाने का खर्चा मुझे उठाना है। बस पौधे वहाँ लगने चाहिए जहाँ पौधे वृक्ष बन सके। मेरी चिंता ये थी कि पौधे कहाँ लगाए जाए जहाँ सुरक्षा भी हो, जहाँ पानी भी हो और जहाँ देखभाल भी हो। तो बहुत जगह पौधे लगाते हैं, कई बार विषम परिस्थितियों में तकलीफ भी होती है, लेकिन फिर दिमाग दौड़ा कि हमारा ये राजकीय चिकित्सालय सिरोही, यहाँ हमको 16 पीपल लगाने का स्थान मिल गया। तो देवी चंद जी को कहा कि भाई लगा सकते हैं और इनको पानी पिलाएंगे, इनको बड़ा करेंगे। और उसी क्रम में ये लगभग 10 फीट का पीपल, 10-10 फीट के 16 पीपल श्री देवी चंद जी रावल साहब के सहयोग से मंगवाए। दो इन भाइयों को बुलाया, खड्डे खुदवाए, दवाई डलवाई, इनके ऊपर ट्री गार्ड लगवाए, चूँकि ट्री गार्ड कुछ 5-6 ट्री गार्ड अपना संस्थान के भी पड़े थे, जहाँ 5 ट्री गार्ड की हमको ज़रूरत थी। इसमें पहले जो लगाओ, पहले लकड़ी बांधो। तो ये इनको बहुत व्यवस्थित रूप से आज लगा रहे हैं और इनको वृक्ष बनाएंगे। लेकिन आप ये इसमें देवी चंद जी साहब के भाव, उन्होंने अनेक बार ऐसे भाव प्रकट किए हैं, उनकी हमेशा भाव रहता है कि पीपल और बड़ अगर हम लगा सकते हैं इस कुदरत को, और ख़ास तौर से ऐसे अवसरों पर हरियाली अमावस आदि को, श्रावण के सोमवार को, तो महादेव की इससे बेहतर भक्ति कोई हो नहीं सकती। आज मुझे भी लगता है कि मेरा भी भाव है, तो मैं चूँकि पीपल को हाथ लगाना, पीपल के साथ सेल्फी लेना, ये सब भाग्य की बात है। ये सब, अब आप देखिए, ये मेरी हाइट से भी बड़ा पीपल है और ये पीपल जिम्मेदारी से, गारंटी से वृक्ष बनेगा, क्योंकि पहले भी जहाँ जहाँ हमने वृक्षारोपण किया है, जिसमें इस वृक्ष की बात करूँ, ये अपना संस्थान के तहत मैं भी उस टीम में शामिल था, और ये इस तरह के लगभग 9 स्थानों पर पौधे लगाए थे, ये सब बड़े हो गए। हम प्रयास करें तो ये सब सफलता मिलती है। और पेड़ों को या पौधों को कुछ नहीं चाहिए, उनको सुरक्षा चाहिए। उसके लिए हमारे पास अपना संस्थान के ही ट्री गार्ड पड़े थे, क्योंकि इसमें यहाँ कोई वो इशू नहीं है कि किसको क्रेडिट जाना चाहिए, यहाँ इशू केवल यह है कि पेड़ वृक्ष बनना चाहिए। अब इसको कैसे लगाओगे, थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा। चलिए, बहुत अच्छा, ये हमारे अनुभवी एक्सपर्ट है, और इसमें एक्सपर्ट होना बहुत बहुत ही ज़रूरी होता है कि भाई किस तरह से, देखिए ये पेड़ भी सीधा रहे, इसको सुरक्षा भी रहे, और ये सब मिला के भाई वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। और ये पेड़ सीधा का सीधा, इसमें दो लोगों को सीधा पुण्य मिल रहा है, एक अपना संस्थान को भी मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने ये ट्री गार्ड 2017 में लगाए थे, और उसमें कुछ पौधे जो डैमेज हुए वो ट्री गार्ड हमने सुरक्षित रखे थे, और उनको इस बार हम लगा रहे हैं। ये देखिए, ये एक अपने आप में एक तरीका भी है, टेक्निक है। अब इसके बाद इसको पानी पिला देंगे, फिर कुदरत पानी पिला देगी, और इस तरह से ये एक तरह से आज की जो अमावस है, इसका हमको ये लाभ हुआ कि अपरोक्ष रूप से हम भी इस पुण्य कार्य के भागीदार हुए। ये पीपल 10-10 फुट के पीपल हैं, गोयली चौराया जो एक तरह से प्राइवेट नर्सरी है, क्योंकि इस तरह के पीपल कई बार राजकीय नर्सरियों में इतनी हाइट के नहीं मिलते। देखिए, ये काफ़ी बड़ा पीपल है, बड़ी थैली में है, तो स्वाभाविक रूप से इसकी 300-400 कोष्ठ होती है। फिर पानी पिला दिया, क्योंकि पेड़ लगाने के तुरंत बाद पानी की आवश्यकता होती है। ऐसे करके हम 2-3 बाल्टी पानी इसको पिला देंगे, एक बार पिला देंगे, फिर कुदरत पिलाएगी, फिर हम पिलाएंगे, फिर कुदरत पिलाएगी। और देखो, हमारे काम को देख के ममता का भी भाव जगा, और ममता ने कहा, जिसका यहाँ एक छोटी सी लारी है, ये इसके लिए भी नगर परिषद का धन्यवाद है कि छोटे छोटे लारियों को बढ़ावा देना,
इसने ये वादा किया है हमसे आज ममता ने, मगनी उर्फ ममता, पहले तो मैं इसको नमन करता हूँ। इसने बिल्कुल जिम्मेदारी ली है कि ये पांच पेड़ मेरे हैं, मतलब मैं इन पांच पेड़ों को पानी पिलाऊंगी, इनकी सुरक्षा करूंगी। तो आज मैंने इस ममता की ममता को देख के, इस ममता को हमने ये पांच पेड़ गोद दे दिए। पिलाएगी पानी और सुरक्षा करेगी, गारंटी, बच्चे से भी बढ़ के पक्का। चलिए ममता, धन्यवाद तेरे को, तेने पांच पीपल और अमावस पे तेने ये संकल्प लिया है, तो तेरे को धन्यवाद है। पांच पीपल उधर लगाए, ये छठा पीपल, ये सातवां पीपल, और बाकी सात और नौ पीपल हमने उस वाटिका में लगाए। ये नयन वाटिका है कहने को तो, यहाँ ये सुलभ शौचालय भी बना है, और ये कुछ वृक्ष हैं, इनकी थोड़ी सी अब कटाई छटाई की आवश्यकता है। देखिए, आपको ये कहते हुए हर्ष भी हो रहा है आज के दिन खास तौर से कि 16 पीपल, देव वृक्ष पीपल लगाने का हमको सीधा सीधा मौका मिला है, लेकिन उससे भी ज़्यादा आनंद हमारा उससे जुड़ा हुआ है। पानी उधर बाल्टी भर रही बेटा, ये यहाँ इसको बंद कर दो, पानी वो बाल्टी भर रही है, एक बाल्टी लगा के उससे लेके जाना है ना। ये बालिका है ममता, इसने जो संकल्प लिया है उसकी पूर्ति आज से शुरू कर दी। ये हमने सात पीपल उधर लगाए, ये आठ, ये नौ, ये दस, और ये सभी दस दस फुट के हैं, ये ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, और ये सोलह, सोलह पीपल से ये नयन वाटिका महक उठेगी, ये मान के चलिए, ये सच में आनंद है। ये बाल्टी उधर से ले लो बेटा, वो बाल्टी भरी जाएगी। तो मैं मेरी बात को तो आज इस हर्ष के साथ विराम देता हूँ। देवी चंजी रावल साहब का बहुत बहुत साधुवाद। ये देखिए, ये पेड़ मेरा हाथ भी नहीं पहुँच रहा, तो ये मान के चलिए इसको बिल्कुल एकदम व्यवस्थित लगाया है, पानी पिला दिया, और ये आनंद आ गया। ये नयन वाटिका जिसमें बहुत कम पौधे लगे हुए थे, क्योंकि पौधे लगाना और उनको बड़ा करना सच में आसान नहीं है, ये हमारा काल का तपोवन आदि प्रोजेक्ट्स का अनुभव है। मैं मेरी बात को विराम देता हूँ एक धन्यवाद के साथ कि महादेव की कृपा हमारे आदरणीय देवी चंदी रावल साहब को मिलती रहे। उन्होंने इसमें आज बिल्कुल बिना जिसको कहें कि उल्टा हमको प्रेरित किया, उल्टा मुझे लगा कि कहाँ पेड़ लगाएंगे, कौन रक्षा करेगा, कैसे बड़े होंगे, इस तरह के मैंने जरूर विचार किया था, क्योंकि पेड़ों का एक उपयुक्त स्थान होना चाहिए जहाँ पेड़ों को कोई तकलीफ ना हो। और ये देखिए, ये सुंदर वाटिका, वैसे इसको हर्बल गार्डन के रूप में भी हम डेवलप करेंगे, पीएमओ साहब का ये मार्गदर्शन भी रहेगा हमको, लेकिन हमको पीपल की खुशबू भी हमको आनंद आएगा। मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। राजकीय चिकित्सालय नेत्र विभाग के सामने, चूँकि मैं स्वयं भी नेत्र सहायक हूँ, तो ये मेरा एक सौभाग्य भी है, हर कर्मचारी का सौभाग्य, हर भारत के नागरिक का सौभाग्य है कि वो अपनी राष्ट्र धर्म को निभाए। पर्यावरण संरक्षण को नमन, धन्यवाद।